हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9A का जो 10th नंबर का क्वेश्चन है इसे सॉल्व करना सीखेंगे। अगर आपने प्रीवियस की वीडियोस देखी हैं तो ये आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं देखा आपने वो वीडियोस तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा ऑल वीडियोज ऑफ चैप्टर 9 के नाम से, उसमें क्लिक करना ना तो आपको इस चैप्टर के सारे वीडियोज मिल जाएंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं और इसको सॉल्व करना सीखते हैं। देखो क्या बोला जा रहा कि 1152 बार्स ऑफ सोप कैन बी पैक्ड इन 8 कार्टन ऑफ दी सेम साइज, यानी कि 8 पीस हमारे पास कार्टन्स हैं। कार्टन बोलते समझते हैं, और पेटी जो होता है ना जिसमें सब सामान वगैरह रखा जाता है, बिस्कुट है ना, मिक्सचर, कुछ भी, मतलब कि जो पेटियाँ होती हैं जिसको आप देखे होगे, उससे हम लोग बचपन में बैंड बजाया करते थे, ठीक है। तो 8 कार्टन हुआ है, उसमें हमारे पास इतने साबुन रखे जा सकते हैं, 1152 साबुन रखे जा सकते हैं। तो हाउ मैनी सच कार्टन विल बी रिक्वायर्ड टू पैक 3888 बार। तो आपको ये बताना है कि उसी टाइप से कितने पीस कार्टन का जरूरत पड़ेगा अगर हमको इतने साबुन को रखना है। तो देखो सिंपल है एकदम। पहले आप क्या करो, मैंने आपको बताया ना यूनिटरी मेथड एकदम बहुत सिंपल है समझने में भी और कन्फ्यूज होने भी। तो सबसे पहले आप क्या करो कि वन साबुन के लिए आप निकालो कितना जगह लग रहा है, यानी कि वन साबुन को रखने के लिए कितना कार्टन का जरूरत पड़ रहा है, पहले तो आप ये निकाल लो। उसके बाद आप आसानी से ये पता लगा सकते हो कि 3888 साबुन को बार को रखने के लिए वहाँ पर कितना कार्टन का जरूरत पड़ेगा। ये मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ ताकि आपको और क्लियरली समझ में आ जाए। तो देखो सबसे पहले इस तरीके से लिख लो कि नंबर ऑफ कार्टन, यहाँ पर शॉर्टकट में नंबर मैंने एन कर दिया है, नीडेड फॉर 1152 सॉप, यानी कि 1152 सॉप को रखने के लिए कितने कार्टन की जरूरत है, तो 8 कार्टन की जरूरत है। तो अब हम लोग निकालेंगे कि वन सॉप को रखने के लिए कितने कार्टन की जरूरत पड़ेगी। तो स्टेटमेंट देखो पूरा का पूरा इधर से उतार देना सेम टू सेम, मैं यहाँ पर केवल डैश कर देता हूँ, बाकी ये जो है ना 1152 इसके जगह पर हम लोग अब निकालेंगे कि एक साबुन अपने को रखना है तब कितना कार्टन की जरूरत पड़ेगा। तो हम जानते ही हैं कि ज़्यादा साबुन था तब 8 कार्टन था, तो अब कम साबुन हो गया है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 8 को डिवाइड दे देंगे 1152 से। तो हमको पता चल जाएगा कि वन के लिए जो है ना, अगर वन साबुन रखना है तो इतने कार्टन्स की जरूरत पड़ेगी। अब आप इसमें अगर कंफ्यूज हो तो मैं थोड़ा सा और आपको रिवाइज करा देता हूँ एक बार, कि जब कभी भी ज़्यादा का दिया रहता है और हमको वन का निकालना रहता है तब हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, ये नहीं कि 8 को नीचे लिख दिए तो भी गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना है सब चीज़ों को, ये जो है राइट साइड में आकर के डिवाइड में हो जाएगा। दूसरा तरीका ये भी समझने का है कि भैया ज़्यादा का दिया हुआ है और अपने को कम का निकालना है, तो जब हम लोग कम साबुन रखेंगे तो कम जगह लगेगा, ज़्यादा साबुन के लिए ज़्यादा जगह लग रहा था ना, तो कम साबुन के लिए कम जगह लगेगा, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं। फिर जो यूनिटरी मेथड होता है वहाँ पर या तो मल्टीप्लाई होता है या तो डिवाइड होता है। जब हम लोग का काम ज़्यादा होता है, यानी जब हमको ज़्यादा की जरूरत रहता है तब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हमको कम का जरूरत रहता है तब हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर वन साबुन कम हो गया, पहले ज़्यादा था अब कम हो गया, तो कम के लिए हम लोग क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। और लेकिन अपने को वन से मतलब नहीं है, वन का हम लोग इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हम लोग निकाल सके कितने का, कितना साबुन मतलब भैया लास्ट में कहा कि हमारे क्वेश्चन नंबर 10 हाउ मेनी सच कार्टन विल बी रिक्वायर्ड फॉर पैक 3888 बार्स, यानी कि अपने को निकालना कितने के लिए है, तो 3888 बार सॉप, ये जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, मैं सॉप लिख देता हूँ, साबुन का ही जो ग्रुप होता है ना उसी को एक तरह से बार कहा जाता है। तो 3388 सॉप के लिए हम लोग को कितना जरूरत पड़ेगा कार्टन का, उसके लिए अब क्या करेंगे, देखो वन का निकल गया है और अब ज़्यादा का निकालना है, तो हम जानते हैं कि जब वन का रहता है हमारे पास और ज़्यादा का निकालना रहता है तब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो वन का इतना है, यानी 8/1152 है, और निकालना इतने का है तो बस इतने से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, एकदम सिंपल। इसको देखो बड़े नंबर दिए रहते हैं इसी वजह से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अगर आप इसको अपने माइंड में थोड़ा छोटा नंबर कर लो, मान लो आपको दिया रहता कि एक सॉप रखने के लिए 2 डब्बे का जरूरत पड़ रहा है, ठीक है, एक सॉप को रखने के लिए 2 डब्बे का जरूरत पड़ रहा है, तो बताइए कि 10 सॉप रखने के लिए कितने डब्बे की जरूरत पड़ेगा। तब आप क्या करते, 2 का मल्टीप्लाई कर देते 10 से। तो बस वही काम हम तो यहाँ पर कर रहे हैं कि एक सॉप के लिए इतने डब्बों का जरूरत पड़ रहा है तो इतने सॉप के लिए कितने डब्बों की जरूरत पड़ेगा, इसके लिए हम लोग इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बस ये हमारा इक्वेशन बन गया है, इसी को सॉल्व करो और आपका आंसर रेडी है। मैं फिर से साइड में रफली आपको समझा देता हूँ कैसे सॉल्व करना है, ये काम आप रफ पेज में करना, डायरेक्ट मत करना, यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा खिचड़ी बन जाता है इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं करता आजकल। ये हो जाएगा 8/1152 मल्टीप्लाई में 388 है। तो सबसे पहले तो देखो ये हमारा 8 से कट हो रहा है तो 8 से मैं उसको उड़ा देता हूँ, 8/1 8 हो गया, नीचे में 8/1 8 आ जाएगा, 11 में से 8 कट हुआ, बचा हमारे पास 3, वो आगे जाकर इसको 35 बना देगा, तो 8/4 32 हो गया, फिर 35 में से 32 कट हो गया, बचा फिर से 3, वो आगे जाकर फिर से इसको 32 बना देगा, तो 8/4 फिर से हो जाएगा हमारे पास 32, ठीक है। अब इधर तो साफ हो गया, अब इससे इसको कट करते हैं, तो देखो दोनों 4 से कट हो रहा है, वैसे बड़े नंबर से भी कट हो रहे हैं लेकिन जितना मतलब जिस नंबर से भी आपको कट करना आसान लगे उस नंबर से कट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि जैसे मैं कर रहा हूँ वैसी करो, आपको जो नंबर ईजी लगे कट करने के लिए आप वो नंबर यूज़ कर सकते हो। जैसे देखो मुझे 4 से दिख रहा है साफ साफ कि लास्ट में 88 है, लास्ट में 44 है, तो 4 से कट हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको डिविजिबिलिटी जो रूल है हमारा वो क्लासिक्स में एकदम डिटेल में समझा रखा है कि कौन सा नंबर कब किससे डिवाइड होता है। तो देखो यहाँ पर अभी 4 से उड़ा दूंगा मैं इसको, 4 3 12 हो जाएगा,
14 में से 12 कट हुआ, बचा 2, वो आगे जाकर 124 बना देगा, तो 4 6 जा 24 हो गया, नीचे कट हो गया। अब ऊपर कट करते हैं, 4 9 जो हो जाएगा हमारे पास कितना 36, 36 हो गया, बचा 2 यहाँ पर से, तो 2 आगे जाकर 128 बना देगा, तो 4 7 जा 28 और 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब देखो 6 और 3 9 होता है, यानी ये 3 के टेबल से डिवाइड हो जाए, सॉरी यानी 9 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, और उसी तरीके से यहाँ पर भी देखो 7 और 2 9 और ये 9 मिला करके 18 हो गया, यानी ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो दोनों को मैं 9 से डिवाइड दे देता हूँ, बड़े नंबर से कट करने से काम थोड़ा आसान हो जाता है। तो देखो 9 4 जा हो जाएगा 36, ऊपर में 9 1 जा 9 हो गया। अब दो डिजिट को एक साथ ले रहे हैं, तो पहले 0 लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे 9 8 जा 72। अब दोनों को फिर से 4 से कट कर लो, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, ऊपर में 4 2 जा 8 आ गया, बच गया 2, वो आगे जाकर 128 बना देगा, तो 4 7 जा 28 हो जाएगा। यानी कि हमारा कितना आंसर आ गया लास्ट में, 27 आ गया। इसका मतलब 27 कार्टन्स का जरूरत है, पेटियों का जरूरत है, अगर अपने को 3888 शॉप को रखना है। तो आपके टीचर हो सकते हैं आपको बोलें कि ये डायरेक्ट आप आंसर मत लिखो, इस तरीके से कट करके यहीं पर शो करो, तो आपको कट करना पड़ेगा। आप अपने टीचर से एक बार पूछ लेना कि सर क्या मैं इसको साइड में सॉल्व करूंगा या वहीं पर सॉल्व करूंगा, क्योंकि मुझे तो डायरेक्ट सॉल्व करने में इस तरीके से अच्छा दिखता है। बाकी यहाँ कई बार स्टूडेंट जो होते हैं चीटिंग करके यानी रट के चल जाते हैं एग्जाम में और डायरेक्ट इसको उतार कर आंसर लिख देते हैं, तो वो गलत बात है। आप इसको सॉल्व करने के लिए अगर आपके टीचर बोलेंगे कि नहीं इधर ही कहीं पे सॉल्व करो और फिर आंसर लिखो, तो सॉल्व करके आंसर लिखना जैसे नॉर्मल तरीके से हम लोग करते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।